सो इसमें एक्सरसाइज 2.5 के दूसरे पार्ट में आपका स्वागत है। सो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 से हम स्टार्ट करेंगे। बेसिकली हमने इसके पहले पार्ट में 1 और 2 इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। सो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को, 3 के पहले पार्ट को देखते हैं। यहाँ पर लिखा है एक्सप्रेस 5 सेंटीमीटर इन मीटर एंड किलोमीटर, यानी कि 5 सेंटीमीटर को आपको मीटर और किलोमीटर दोनों में ही कन्वर्ट करना है, एक्सप्रेस करना है। सो सबसे पहले आपके लिए जानना जरूरी है कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो 1 मीटर इज इक्वल टू होता है 100 सेंटीमीटर। सो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/100 मीटर। सो 1 सेंटीमीटर अगर 1/100 मीटर है तो 5 सेंटीमीटर डेफिनेटली ज़्यादा होगा, और ज़्यादा के लिए मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 × 1/100 मीटर। सो 5 × 5 और 5/100 ये मीटर में आएगा। अब क्योंकि हमें इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, डेसिमल के सवाल हम हल करने पर इसको डेसिमल में एक्सप्रेस करना है। सो आप कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आप 5 लिखिए। यहाँ पर 100 में 2 जीरो है, इसलिए दशमलव के यानी कि डेसिमल के बाद 2 जीरो, 2.2 डिजिट आने चाहिए। तो यहाँ पर 1 जीरो लगा के यहाँ पर 2 डिजिट करता हूँ, और यहाँ पर मैं पॉइंट लगा के 1 जीरो लगा देता हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पर पॉइंट के बाद में 2 डिजिट हो गए हैं और ये मीटर में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, अब आगे दूसरे वाले क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरे में ही एक और है, इसको 5 को ही किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू क्या होता है, 1 किलोमीटर में 1 लाख सेंटीमीटर होता है। ठीक है, सो 1 सेंटीमीटर में कितने किलोमीटर होंगे, 1/1 लाख किलोमीटर। ठीक है, अब क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 1/1 लाख किलोमीटर है तो 5 सेंटीमीटर में डेफिनेटली ज़्यादा ही होगा, और ज़्यादा के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो 5 × 1/1 लाख किलोमीटर। सो यहाँ पर 5 × 5, 5/1 लाख हो जाएगा किलोमीटर। अब इसे हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, तो सबसे पहले आप 5 लिखिए, और यहाँ पर 1 लाख में 5 जीरो होते हैं, इसलिए 5 डिजिट यानी कि पॉइंट के बाद में 5 डिजिट रख के आप से रख दीजिए। तो यहाँ पर काउंट करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, और यहाँ पर पॉइंट लगा के 0। अब देखिए पॉइंट के बाद में 5 डिजिट हो गए हैं। सो आगे देखते हैं 3 के दूसरे पार्ट को। सो यहाँ पर एक्सप्रेस 35 mm इन सेंटीमीटर मीटर किलोमीटर, यानी कि 35 को कन्वर्ट करना है आपको सेंटीमीटर में, मीटर में और किलोमीटर में। सो यहाँ पर 1 सेंटीमीटर आपको जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे ही आप लिखेंगे एग्जाम में। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू होता है 10 mm यानी कि मिलीमीटर। सो 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू हो जाएगा 1/10 सेंटीमीटर। ठीक है, सो आपको 35 mm को सेंटीमीटर में लिखना है। तो 35 mm इज इक्वल टू, तो ज़्यादा होगा कम होगा, डेफिनेटली ज़्यादा होगा, इसलिए 35 × 1/10 सेंटीमीटर। सो यहाँ पर 35 × 35/10 सेंटीमीटर, और यहाँ पर क्योंकि 10 है और 10 में 1 जीरो होते हैं, इसलिए पॉइंट के बाद में भी 1 ही डिजिट होनी चाहिए। यहाँ पर सबसे पहले आप 35 लिखना है आपको, और 35 लिखने के बाद में 1 डिजिट आपको राइट साइड से लेफ्ट की तरफ जाते हुए काउंट करना है, यानी कि ऐसे जाना है आपको। तो यहाँ पर 1 डिजिट मैंने यहाँ काउंट कर लिया, 5 यहाँ पर 1 डिजिट हो गया, और यहाँ पर मैं पॉइंट लगा देता हूँ, तो 3.5 सेंटीमीटर आंसर आएगा। ठीक है, अब इसको कन्वर्ट करें मीटर में। सो 1 मीटर इज इक्वल टू होता है 1000 mm। सो 1
मिलीमीटर इज इक्वल टू हो जाएगा 1/1000 मीटर। ठीक है, जैसे ही हम साइड परिवर्तन करते हैं, साइड एक्सचेंज करते हैं, तो वो बटे में आ जाता है, डिवाइड हो जाता है। ठीक है, सो यहाँ पर जैसे ही मैं 1 mm को मीटर में कन्वर्ट करता हूँ तो 1000 एक के नीचे आ जाता है। सो यहाँ पर हमें 35 mm को कन्वर्ट करना है, तो 35 mm इज इक्वल टू हो जाएगा, सो 35 में डेफिनेटली ज़्यादा होगा, इसलिए ज़्यादा के लिए मल्टीप्लाई करते हैं, तो 35 × 1/1000 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर 35 × 1/35, तो 35/1000 हो जाएगा मीटर। अब इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है यहाँ पर, तो सबसे पहले आपको लिखना है न्यूमरेटर, यहाँ पर न्यूमरेटर यहाँ पर 35 है, और डिनोमिनेटर में यहाँ पर 1000 है, और 1000 में 3 0 है, इसलिए पॉइंट के बाद में भी 3 डिजिट होनी चाहिए। सो यहाँ पर 1 2 दो डिजिट पहले से ही हैं, 1 0 लगा के यहाँ पर मैं 3 डिजिट बनाता हूँ इसको, और यहाँ पर पॉइंट लगाता हूँ, और पॉइंट के बाद 1 0 लगा देता हूँ। सो यहाँ पर ये मीटर में कन्वर्ट हो गया, सो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 0.035 मीटर। ठीक है, अब आगे हम इसको कन्वर्ट करेंगे, 35 मिलीमीटर को कन्वर्ट करेंगे किलोमीटर में। सो सबसे पहले आपके लिए जानना जरूरी है कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू होता है 10 लाख मिलीमीटर। ठीक है, सो 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम साइड चेंज कर रहे हैं, यानी कि मिलीमीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, इसलिए 10 लाख का डिवाइड हो जाएगा 1 में। सो 1/10 लाख इसके नीचे लिखेंगे, और 10 लाख में 6 0 होते हैं, तो 2 3 4 5 6, और ये किलोमीटर में आ गया। सो यहाँ पर 1 mm इज इक्वल टू हो गया हमारे पास में 1/10 लाख। हमें कन्वर्ट करना है 35 mm को, तो 35 mm इज इक्वल टू, तो 1 का अगर इतना होता है तो 35 का डेफिनेटली ज़्यादा होगा, ज़्यादा के लिए मल्टीप्लाई करते हैं, तो 35 × 1/10 लाख इतने किलोमीटर। ठीक है, तो 35 × 1/35 और 35/10 लाख। अब हम इसे डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, तो सबसे पहले आपको न्यूमेरेटर लिखना है, न्यूमेरेटर यहाँ पर 35 है, और यहाँ पर डिनोमिनेटर में 10 लाख है, और 10 लाख में 6 0 है, तो पॉइंट के बाद में भी हम 6 डिजिट रखेंगे। तो यहाँ पर 2 डिजिट हमारे पास में पहले से ही है, काउंट करते हैं 3 4 5 6, और यहाँ मैं पॉइंट लगाता हूँ, और पॉइंट से पहले 1 0 लगा देता हूँ। सो ये हमारे पास में ये किलोमीटर में कन्वर्ट हो गया। सो 35 mm इज इक्वल टू हो गया 0.000035 किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने तीसरे क्वेश्चन को भी सॉल्व कर दिया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के पहले भाग को। इसमें कहता है कि एक्सप्रेस इन kg यानी कि किलोग्राम में। सो यहाँ पर जरूरी है आपके लिए जानना कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं। सो 1 kg इज इक्वल टू होता है 1000 ग्राम। ठीक है, सो 1 ग्राम इज इक्वल टू हो जाएगा 1/1000 किलोग्राम। जैसे ही हम ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, सो ये 1000 इसके नीचे आ जाता है, एक के नीचे, यानी कि डिवाइड हो जाता है 1 में। सो हमें कन्वर्ट करना है 200 ग्राम को, तो 200 ग्राम के लिए जब 1 kg, 1 ग्राम इज इक्वल टू 1/1000 kg, तो 200 ग्राम इज इक्वल टू डेफिनेटली ज़्यादा हो जाएगा, और ज़्यादा के लिए मल्टीप्लाई करते हैं, सो यहाँ पर 200 × 1/1000 kg। ठीक है, सो यहाँ पर
आप देख सकते हो यहाँ पर दो जीरो से दो जीरो अगर मैं काट देता हूँ तो कट जाएगा, और यहाँ पर टू वन ज़ार टू, टू अपॉन टेन यहाँ पर केजी में आ जाएगा। और टू में हम दस का डिवाइड कर रहे हैं और इसको हम एक्सप्रेस कर रहे हैं डेसिमल में। सो यहाँ पर सबसे पहले दो लिखेंगे, और यहाँ पर टेन में वन ज़ीरो है इसलिए पॉइंट के बाद में भी एक डिजिट होनी चाहिए। तो ये एक डिजिट यहाँ है और यहाँ मैं पॉइंट लगा देता हूँ और यहाँ पर एक ज़ीरो लगा देता हूँ, तो यहाँ पर ये केजी में कन्वर्ट हो गया। सो यहाँ पर 200 ग्राम इज इक्वल टू 0.2 किलोग्राम, ये हमारा आंसर आ गया। यानी कि कुल मिलाकर अगर बात करूँ तो जैसे ही हम ग्राम को केजी में कन्वर्ट करेंगे हम उसमें 1000 का डिवाइड लगा देते हैं। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखें। तो दूसरे वाले क्वेश्चन को देखते हैं। 3470 ग्राम इज इक्वल टू हो जाएगा 3470 अपॉन 1000 केजी। ठीक है, सो यहाँ पर अब एक जीरो से तो एक जीरो कट जाएगा, सो यहाँ पर बचेगा 3470 अपॉन 100। एंड यहाँ पर दो जीरो है, दशमलव में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले आप न्यूमरेटर को आपको लिखना है, तो 3470। अब यहाँ पर 100 में दो जीरो है इसलिए दो डिजिट होने चाहिए दशमलव के, डेसिमल के राइट साइड में। सो 1 2, और यहाँ मैं दशमलव लगा देता हूँ और ये केजी में कन्वर्ट हो गया। सो हमारे पास में आएगा 3.47 केजी। क्वेश्चन नंबर थर्ड फोर्थ का, 4 kg 8 ग्राम। ठीक है, अब इसमें 4 kg को, 4 kg ऑलरेडी 4 kg में ही है, केजी में ही है। सो 4 kg प्लस 8 ग्राम, तो 4 kg को एज इट इज रखेंगे। 4 kg प्लस 8 ग्राम में हम 1000 का डिवाइड लगाने पर ये केजी में यानी कि किलोग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 8 अपॉन 1000 kg। ठीक है, अब यहाँ पर 4 kg जो ऑलरेडी केजी में है प्लस, अब इसे डेसिमल में लिखते हैं। तो डेसिमल में लिखने के लिए सबसे पहले न्यूमरेटर को लिखा जाता है 8, और यहाँ पर 1000 है और 1000 में 3 0 है इसलिए यहाँ पर पॉइंट के बाद में यानी कि डेसिमल के बाद में 3 डिजिट होनी चाहिए। तो एक डिजिट यहाँ पर ऑलरेडी है, काउंट करते हैं 1 2 3, और यहाँ मैं पॉइंट लगा देता हूँ और यहाँ 0 लगा देता हूँ और ये केजी में कन्वर्ट हो गया। सो अब 4 kg और 0.008 kg को प्लस करना है, ऐड करना है। तो यहाँ पर 4, अब यहाँ पर देखिए पॉइंट के बाद में 3 डिजिट है। सो यहाँ पर 4 के बाद में एक पॉइंट लगाकर 3 डिजिट में 0 लगा के कर देता हूँ, और यहाँ पर 0.008 आपको याद रखना है। हमेशा जब आप ऐड करेंगे या माइनस करेंगे तो आपको पॉइंट के नीचे पॉइंट ही लिखना है। सो आप इसको ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पर 8, यहाँ पर 0 0, फिर पॉइंट के नीचे पॉइंट और यहाँ पर 4। सो हमारे पास में आंसर आएगा 4.008 kg, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब फोर्थ का फोर्थ पार्ट देखते हैं। टू फाइव नाइन एट एम जी यानी कि मिलीग्राम। ठीक है, इस मिलीग्राम को कन्वर्ट करना है किलोग्राम में, राइट। अब आपके लिए जानना जरूरी है कि 1 kg में कितने किलोग्राम, कितने मिलीग्राम होते हैं। तो 1 kg में 10 लाख मिलीग्राम होते हैं, 1 kg में 10 लाख मिलीग्राम होते हैं। ठीक है, तो 1 मिलीग्राम में कितने किलोग्राम होंगे, 1 अपॉन 10 लाख कितने किलोग्राम। ठीक है, जब 1 मिलीग्राम में 1 अपॉन 10 लाख किलोग्राम होंगे तो 2598 मिलीग्राम में
कितने किलोग्राम होंगे, ज़्यादा होंगे या अधिक होंगे? अधिक होंगे डेफिनेटली। सो यहाँ पर अधिक के लिए मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2598 इंटू 1/10 लाख किलोग्राम। आप याद रखिए 10 लाख में 6 जीरो होते हैं। सो यहाँ पर 2598 बन जा 2598 अपॉन 10 लाख, ठीक है, इतने किलोग्राम। अब आपको इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले आपको न्यूमेरेटर लिखना है, तो 2598। अब यहाँ पर एक के बाद में 6 जीरो हैं, इसलिए डेसिमल के बाद में भी 6 डिजिट होनी चाहिए। तो यहाँ पर 4 डिजिट तो यहाँ पर ऑलरेडी है, तो काउंट करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 और यहाँ पर 0 पॉइंट लगा के एक 0 लगा देता हूँ और ये केजी आ गया। सो ये देखिए कि ये डेसिमल में कन्वर्ट हो गया। सो 2598 mg यानी कि मिलीग्राम इक्वल टू हो गया 0.002598 किलोग्राम। ये हमारा आंसर आ गया। सो इस वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 3 और 4 इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व किया है। अगले वीडियो में आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।